at the federal level, they get along at the local level. Yeah. Mr. Bagga is a great friend of Pakistan. He paid a visit. It was a daring trip, risky trip, but it showed the love and dedication and to assist the Pakistan. And I think his suggestion to the president of Pakistan to give more power, to more equipment, more knowledge to the police department, so police play a key role, a better job, and we no need to invite army all the times. Is that right? Yes, sir. You got it right. We're going to get the job done. Thank you. मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि हमारे लिए नहायत बायस इत्मीनान है कि शरीफ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए और ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि कैलिफोर्निया जो कि दुनिया की नौवीं सबसे बड़ी मईशत है, इकॉनमी है, और उसमें ये एलए के अपना काउंटी के जो शेरिफ हैं ली बाका, ये सबसे बड़ी काउंटी है अमेरिका की और इसके ये नहायत ही रिस्पेक्टेड इलेक्टेड ऑफिशियल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं। तो इनका पाकिस्तान जाना बहुत ही खुशाइंद है। इसके लिए मैं पाकिस्तानी अमेरिकन एडवाइजरी ऑफ शेरिफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने तौर पे ये ट्रिप को अरेंज किया और तमाम अरेंजमेंट्स और कोऑर्डिनेशन की, जिसके लिए मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी जहाँ तक ये ट्रिप है, ये इसका तय होना और इसका मटेरियलाइज होना इस चीज़ की दलील है कि शेरिफ साहब, बावजूद के स्टेट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी है कि पाकिस्तान इस वक्त ना जाया जाए, ये एक दफ़ा नहीं बल्कि दो दफ़ा गए तो उन्होंने प्रूव किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आज भी कोई मसला नहीं आना जाना अमेरिकन्स के लिए। इट इज़ एज सेफ एज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके अलावा जो अच्छी चीज़ें सामने आई हैं शेरिफ के और विज़िट से, वो ये है कि हमारे दो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के, उसमें तावन बढ़ेगा। और जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें उसमें एग्री की हैं, तो मैं इसको बहुत खुशाइन समझता हूँ। हमारे दोनों मुल्कों की आपस में जो कोऑपरेशन चल रही है, इसमें मज़ीद इजाफा होगा और कैलिफोर्निया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं मज़ीद मुस्तहकम होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हर लिहाज से एक बहुत ही अच्छा इकदाम था, जिसके लिए मैं फिर एक दफ़ा पाकिस्तानी अमेरिकन शेरिफ एडवाइजरी काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने तौर पे इसको अरेंज किया और इसको पाया तकमील पहुँचाया। आप ये समझते हैं कि शेरिफ ली बाका, as he mentioned that he going to be speak to the Senate and Congress for the police reforms and training in forensic science and bomb detection, what do you think about that? Dekhiye, yahi jo fayda hota hai aise jab visits hote hain, unka yahi fayda hota hai ki logon ko cheezon ko khud dekhne ka, ground realities ko mauka milta hai. Aur Sheriff Baka jo aaj ye baatein kar rahe hain, kyunki unhone jaake wahan khud dekha इस वक्त क्या ज़रूरत है, इस वक्त पाकिस्तान को किन किन डिपार्टमेंट्स में उन अमरीका की इमदाद दी जा सकती है, तो उन्होंने जब ख़ुद देखा तो उसके मुशाहदे के बुनियाद पे ये आज वो बातें कर रहे हैं जो हम हमेशा से कह रहे हैं। तो मेरा ख़्याल में ये एक खुशाइन चीज़ है कि शेरिफ ने ख़ुद देखा कि हमारी पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, बजाय कि यहाँ से जो लोग बैठ के बातें करते हैं कि ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए, बट व्हेन यू सी द ग्राउंड रियलिटीज़ तो उससे आप बेहतर फैसले करने की पोजिशन में होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बायस इत्मीनान बात है कि शेरिफ आज हमारे लिए वो बातें कर रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत थी। आज वो हमारे स्पोक्समैन के तौर पे ये कह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लॉ एनफोर्समेंट को और लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करने के लिए ये तमाम चीज़ें इन असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अमेरिका विल सपोर्ट अस। बीइंग इन अ कंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, लॉस एंजलिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, एज यू मेंशन दैट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द नाइंथ लार्जेस्ट सिटी। Okay, what's your role going to be to coordinate the whole things? Definitely, he went there, he come back. Now he is planning to start the project. Okay, Mr. Matt Woolman and Max Sohini and Sheriff Ribaka.
They're all in, three people in the project. So how are you going to be coordinate this whole thing with the government of Pakistan, and how are you going to be report to the government of Pakistan about the whole things? देखिए जी, हम तो पूरी हमारी ये तावन जैसे पहले आपको रहा है, हासिल अभी भी रहेगा हमारी. हम इसको बहुत ही खुशाइन समझते हैं कि हमारे कुछ अफसरान पाकिस्तान से यहाँ आएंगे, जो आके यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, यहाँ से लेके एज अ मास्टर ट्रेनर्स वो वापस जाएंगे, तो इसके बड़े मुस्बत नतायज निकलेंगे इंशाल्लाह. लेकिन साथ साथ हम ये चाहेंगे कि ये जो शेरिफ बाका का विज़िट हुआ, इससे अलावा भी वेस्ट कोस्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत ही अहम है, ना इकोनॉमिकली बट पॉलिटिकली आल्सो. मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा कांग्रेस मैन जो हैं या कांग्रेस पर्सन आर फ्रॉम दिस ओनली कैलिफोर्निया स्टेट. एक सब स्टेट जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है वो इस स्टेट से है. तो इस लिहाज से ये समझने की ज़रूरत है कि वेस्ट कोस्ट के साथ हमारे ताल्लुकात को जितना मुस्तहकम किया जाएगा वो हमारे लिए अच्छा है. और मुझे इसमें कोई कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी हेयर ऑन वेस्ट कोस्ट. पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो ना कि सिर्फ मुत्तहिद हैं बल्कि जिन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है माजी में भी, और इंशाल्लाह इस वक्त भी वो पॉजिटिव और मुस्बत किरदार के लिए तैयार हैं, मुत्तहिद हैं, एंड दे आर माशाल्लाह वेरी वेल एस्टेब्लिश कम्युनिटी. मैं बल्कि कहूँगा कि ये एक रोल मॉडल कम्युनिटी है जिसका हमें ज़रूर और हर सूरत में फ़ायदा लेना चाहिए, जिसके लिए कम्युनिटी तैयार है. बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया. बहुत शुक्रिया.